एंड वेलकम बैक टू माई चैनल रंजना स्टाइलिंग टिप्स एंड ट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? सो फ्रेंड्स, जो लोग मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि इस चैनल पर आपको रिव्यूज़ ऑफ प्रोडक्ट्स, क्लोथ्स, असेसरीज, ज्वेलरीज, किचन, होम अप्लाइंसेस, मतलब मोस्टली चीज़ों के रिव्यूज़ आपको इस चैनल पर मिलेंगे। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल भी नहीं जाना है। सो आज भी मैं आप लोगों के साथ एक रिव्यू लेकर आई हूँ। किस चीज़ का रिव्यू? जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल से देख ही लिया होगा, बट मैं आपको दिखा देती हूँ। ड्रॉअर मंगाया है, 6 लेयर वाला ड्रॉअर। बेसिकली क्या है कि अगर आपके पास स्पेस नहीं है या छोटे स्पेस में भी आपको बहुत सारा सामान रखना है, तो उसके लिए आपको ये ड्रॉअर्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगेंगे। सो सबसे पहले हम पैकेजिंग की बात करें। पैकेजिंग कुछ इस तरह की, बड़े कार्डबोर्ड। ये जो प्रोडक्ट है मैंने अमेजोन से बाय किया है। सो जैसे ही वीडियो कम्प्लीट होगी आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट कीजिएगा, इसका लिंक आपको वहीं पर मिल जाएगा। सो पैकेजिंग की बात करें तो पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी आई है। सो अब इसको अनबॉक्स करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले ये देखिए, ये ट्रे है, मतलब जो भी आप ड्रॉअर बनाएंगे उस ड्रॉअर के ऊपर का कवर है ये ऐसे स्टैकेबल है। सो 6 का लेयर है तो 6 आए हैं। क्वालिटी अगेन मैं आपको एक चीज दिखा देती हूँ। वो देखिए, स्टर्डी है, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सॉफ्ट वाला मटेरियल है, अच्छी प्लास्टिक का मटेरियल है। ऐसे ये ना चारों साइड पे आपके हुक्स दिए गए हैं जिससे कि ये इजीली स्टिक होकर दूसरा ड्रॉअर में कनेक्ट हो जाएगा। सो सबसे पहले तो ये है। और आगे ना ये कुछ इस तरह का भी है जिसमें आपके जो बास्केट है वो आराम से स्टिक हो जाएगी। सो ये इस तरह से रिसीव हुए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, कुछ इस तरह के पॉलिथिन में रखे हुए हैं। ये जो इसके साइड वाले पिलर्स है ना, जो दूसरे ड्रॉअर से अटैच करेंगे इसको, ये है देखिए ऊपर से इस तरह से, और ये उसमें आराम से फिक्स होने वाले हैं। ये बहुत सारे मिले, मतलब जितने ड्रॉअर्स हैं उसके हिसाब से आपको ये मिले हैं। और इसमें ना ये छोटे छोटे से भी दिए हैं जिसमें ड्रॉअर के लास्ट में आप इसको लगाएंगे ना, तो कहेंगे ड्रॉअर के नीचे बिल्कुल स्पेस हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपका जो लास्ट वाला ड्रॉअर होगा वो फ्लोर में लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए इस तरह के ये छोटे से पॉइंट्स दिए गए हैं जिससे कि उसके नीचे भी स्पेस है, मतलब अगर आपको साफ सफाई करनी है तो उसके नीचे से भी क्लीनिंग हो जाएगी। ये दिया गया है, मतलब आप मैनुअल कह सकते हैं, जिसमें दिखाया गया है कि आपको कैसे इसको असेंबल करना है। वैसे असेंबल करना बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको सारे स्टिक्स के साथ अटैच करना है। और मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, इस तरह का ये ऐसा पैम्पलेट भी मिलेगा। सो आप इसमें ना बहुत सारी लेयर्स आती हैं, 2 लेयर्स, 3 लेयर्स, 4 लेयर्स, 5 लेयर्स, इवन 7 लेयर्स तक भी आते हैं। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको परचेज कर सकते हैं। मैं दिखा दूं आपको ये बास्केट, देखिए ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की है, तो आपको ना मतलब आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी हो जाएगा कि किस ड्रॉअर में आपने क्या सामान रखा है। सो देखिए कुछ इस तरह की, मैं आपको एक ड्रॉअर ओपन करके दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स देखिए, ड्रॉअर की डेप्थ अच्छी है, स्पेस भी काफी ज्यादा है, मतलब आपको बहुत सारी घर के अंदर बास्केट रखने के अलावा आप इस तरह का शेल्फ ले सकते हैं, तो आपके ना सारे बास्केट्स एक साथ आ जाएगी। सो आगे इस तरह का ऐसे पॉइंट है जिससे आप ड्रॉअर की तरह इसको इजीली पुल कर सकते हैं और वापस अंदर रख सकते हैं। बाकी इसकी क्वालिटी बात करें तो प्राइस के हिसाब से इसकी क्वालिटी अच्छी है, मतलब बिल्कुल ऐसा सॉफ्ट वाला मटेरियल नहीं है, आप आराम से रख सकते हैं। देखो आप इसको ना कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, आप इसको किचन में यूज कर सकते हो, अगर आपको ग्रोसरी रखना है या क्रॉकरीज रखने हैं, आपके पास ऐसे मतलब बहुत सारे शेल्फ्स नहीं हैं तो इसमें आप अपने बर्तन रख सकते हैं। बेसिकली इसको आपको थोड़ा सा पानी से क्या मतलब ऐसी जगह रखना है जहां पर आपको इजी असेस कर सके। बच्चों की स्टेशनरी के काम आएगा, बच्चों के छत में बेबी के कपड़े रखने के लिए मंगाया, क्योंकि बच्चों के ना बहुत छोटे छोटे कपड़े होते हैं, तो उसको रखने के लिए ना मतलब छोटे छोटे कपड़ों के लिए इससे ना मैं अलग अलग इसमें कुछ उसके लोवर्स रख दूंगी, कुछ टी शर्ट रख दूंगी, तो उसके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। मतलब मुझे बहुत सारा स्पेस ऑक्यूपाई करने की जरूरत नहीं होगी छोटे छोटे कपड़ों को रखने के लिए। सो क्योंकि ना मेरे पास ये थोड़ा वर्टिकल स्पेस था मेरी अलमीरा में, सो उसमें मैं इन ड्रॉअर्स को लगाऊंगी। सो मैं आपके साथ ना एक क्लिप भी अटैच कर दूंगी कि मैंने कहाँ के लिए परचेज किया है इसको। सो फ्रेंड्स अब ना इसको मैं आपको असेंबल करके दिखाती हूँ, सो आपको ना एक आइडिया लग जाएगा कि ये मतलब बेसिकली कितनी हाइट का है, क्योंकि ना मैंने बहुत सारे इसके रिव्यूज देखे हैं। सो उसमें ना बहुत ज्यादा हाइट नहीं है, सो मैं आपको एक बार ये भी असेंबल करके बता दूंगी कि एग्जैक्ट इसकी हाइट कितनी है। सो फटाफट से इसको असेंबल करते हैं। सबसे पहले ना मैंने क्या किया है, चारों कॉर्नर्स पे ये मतलब ब्लॉक्स लगा दिए हैं। अब मैं इसके ऊपर दूसरी प्लेट रख दूंगी तो ये पूरा एक शेल्फ क्रिएट हो जाएगा। आप चाहो तो इसको ऐसे भी रख सकते हो अपने किचन में यूज करने के लिए, काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। ये ना एक फ्रेम रेडी कर दिया मैंने, ये सबसे पहला है, और ये वाला ना ऊपर लगेगा क्योंकि इसमें और पॉइंट्स नहीं है जैसे आप इसके ऊपर कुछ अटैच कर पाए, तो सबसे ऊपर वाली ये है। सो इस तरह से फ्रेम रेडी हो गया। मैं एक बार ना आपको इसकी लेंथ दिखा देती हूँ। सो देखिए
ऑलमोस्ट ये एक हाथ का है इतना होगा। अब मैं इसके अंदर आपको एक बास्केट फिट करके दिखा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। सो इस तरह से ये ऐसे एक बास्केट। अब बाकी मैं इसको लगा के दिखा देती हूँ जिससे मैं आपको बता पाऊंगी कि इसकी एग्जैक्ट हाइट क्या है। सो स्पेशियस काफी है, बहुत छोटा नहीं है, अच्छा है ये। देखिए सो फ्रेंड्स, देखिए ये ना मैंने एक फ्रेम रेडी कर दिया है तो एग्जैक्ट आपको इसकी हाइट पता चलेगी। तो जो भी आपका डोर है उसके ये हाफ तक आ रहा है, मतलब इसकी लेंथ काफ़ी अच्छी है। सो इतनी दिक्कत नहीं होने वाली आपको, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ये प्रोडक्ट। अब मैं फटाफट से ना आपको इसमें बास्केट फिट करके दिखाती हूँ, फिर आपको एक क्लोज व्यू दूंगी। सो आपको एक आइडिया लगेगा इसको परचेज करने से पहले कि आपको इसको परचेज करना है, मतलब आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये आपके लिए यूज़फुल है या नहीं। सो फ्रेंड्स देखें, ये हो गई है रेडी सारी के सारी बास्केट। बहुत ही सुंदर इसका लुक आ रहा है और मतलब देखिए काफ़ी ज़्यादा ये बड़ी है, बिल्कुल छोटी सी नहीं है, बड़ी है। और इसमें ना एक चीज़ और देखिए, ये ना बास्केट स्लाइड करना बहुत इजी है और ये बिल्कुल भी ना, ये बैक साइड पे ऐसा ग्रूव दिया गया है जिसमें से कि आपका बास्केट बिल्कुल भी बाहर फॉल आउट नहीं होगी। एग्जैक्ट लुक बहुत सुंदर लगी मुझे ये, मतलब मैंने जितने भी पैसे इस पे इन्वेस्ट किए थे सारे वसूल हो गए, बहुत अच्छी लगी। सो फ्रेंड जैसा कि आपने देख लिया, मैंने इसका रिव्यू आपके साथ शेयर कर दिया। सो कैसा लगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है, हाइट भी इसकी बहुत अच्छी है, बिल्कुल छोटे छोटे से ड्रॉअर नहीं है। सब कुछ मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है क्योंकि मैंने जितनी भी जगह इसके रिव्यूज़ देखे मुझे बिल्कुल सेटिस्फैक्शन नहीं मिली कि मतलब एग्जैक्टली इसका है क्या। सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊँ जिससे आप लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए कि आपको ये ड्रॉअर खरीदने हैं नहीं खरीदने, कितने वाले खरीदने हैं, मतलब बेसिकली इसका प्राइस आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अच्छा है या नहीं है। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना, व्यूअर्स बन के बिल्कुल भी नहीं रहना है, सब्सक्राइबर बन के जाना है आपको। और अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली को जरूर शेयर कर देना ताकि हो सकता है वो भी इसी डाउट में हो कि इसको खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। सो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी चाहते हो, सो मैं उसका भी रिव्यू आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर करूंगी। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।